वियतनाम वालों के दुख देख के भाई इंडिया वाले भी रो पड़ेंगे। मैं आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ, ये जो आप गेट दिख रहे हैं ये गेट कोई आम गेट नहीं है, इसके अंदर से आप देखो ये देखिए, और इसके अंदर से आपको कुछ दिखाई देगा, ये देखो कितना कष्ट भरा जीवन। ये देखो जी, ये जो हालत आप देख रहे हैं ना, ये फ्रेंच और यूएस के टाइम की है वियतनाम के अंदर। इसको एक जो पैर से इसको बंद रखा है, एक पैर से बांध रखा है, और ये ऐसी कोठरी है जिसके अंदर से ना रोशनी भी नहीं होती थी, रोशनी के लिए उसको बाहर ले जाते थे जब यहाँ लोग मरने शुरू हो जाते थे तब ले जाते थे, और इतना कष्ट सहना पड़ता था जिसके बारे में मैं आपको वन बाई वन करके ऐसी चीज़ दिखाएंगे कि रूहें कांप जाएंगे, इंडिया वाले भी खुद ऐसे घबरा जाएंगे। बस ये जगह है देखने के लिए, यहाँ से उनको देखते थे कि जिंदा है मर गया। ये लोग लगा रखा है बाहर का, और ये इस तरह आप देखेंगे ये जो बना रखी है जगह है ना, इसके अंदर से कैदी को लिटा के रखते थे। इसके अंदर देखो ये जो एक केज बना रखा है, इस केज के अंदर क्या पोजीशन होते थे ये देखिए सामने, सेम ऐसे जो प्रिजनर होते थे, जो कैदी होते थे, जिनको कैदी समझते, जो कोई अपराध करते थे तो इस तरह के भयानक सजाएं दी जाती थी कि आदमी की रूहें कांप जाएं। इसके अंदर से या तो बंदा लेटा रहेगा या बंदा बैठेगा तो इस तरह से बैठ पाएगा, कोई सिस्टम ही नहीं बैठे रहने का इस तरह से। ये देखो ये पोजीशन बन जाएगी, और उसके बाद गर्दन काटने का क्या सिस्टम था इसके अंदर चल के मैं गर्दन काटने दिखाता हूँ। ये देखो ये है गर्दन काटने का सिस्टम, ऊपर से आपको दिख रहा होगा ये ऊपर से आता था, गर्दन को काटता था, इसके अंदर आदमी को लिटाते थे, इसके ऊपर लिटा के, ये देखिए इसके ऊपर लिटा के इसके अंदर से गर्दन इस तरफ निकलवा के, ये देखो इस तरफ गर्दन निकलवा के, और ये जो पूरा पैना फर्श है इसको नीचे लेके आता है इसको गर्दन काटने के लिए, ये गर्दन को धीरे करके एक बार में ही अलग गर्दन कर देता था। ये देखो यूएस ने और भाई फ्रेंच ने इतना बड़ा समझो कि कहर ढाया था वियतनाम के ऊपर, और मैं एक एक रिबन वाइन करके चीज़ें दिखाऊंगा, ये सारी चीज़ें लाइव हैं जो उस समय यहाँ हुआ करता था, इस तरह ये चीज़ें यहाँ पे हुआ करती थी। अब देखो ये उसी तरह के कमरे बने हैं, ये देखो ये जगह जो एक कोठरी मैंने दिखाई थी उस कोठरी के ऊपर से देखने के लिए, देखो इस तरह से कुछ बना हुआ था। ये कहर की भी हद होती है भाई, देखो ये आप देखेंगे इस तरह से, इतनी शेल्स बना रखी थी कैदियों को रखने के लिए, इस तरह से ये ग्लास लगा हुआ था उसी समय का, तो यहाँ अंदर रोशनी का कोई सिस्टम नहीं था, इस तरह से इन ग्लासों में देखने देखने देखते थे। ये देखो ये ऊपर का दिखा रखा है पूरा पूरा। अब मैं आपको नीचे चल के दिखाता हूँ, ये देखेंगे आप, ये देखो इस तरह से बंदे को दोनों पैरों में ऐसे साकल लगा के ऐसे करके इस तरह से बांध के रखते थे, बंदा हिल डुल भी नहीं पाए, सो भी नहीं पाएगा। आप बताओ ये बंदा सोएगा कैसे, क्योंकि इसके पैर नीचे हो गए, असंभव सा मामला था। ये देखो सेम पोजीशन थी, और इसके साथ में ऐसे ये जो नीचे आपको दिखा रखा है इसके ऊपर जिस तरह से कला लगवाते थे और पीछे से हंटर से मार करते थे, ये देखो जी। और जब यहाँ कैद के अंदर बहुत सारे दिन हो जाते थे तो उनको यहाँ पे सन बाथ के लिए ऐसे खुले में यहाँ लेके आते थे, ये देखो धूप में ये आपको एक कैदी उस तरफ दिखाई देगा, एक कैदी उस तरफ दिखाई देगा, ये देखो ये उसी समय के सारे बने हैं भाई, इस पे बाकायदा लिखा भी हुआ, ये देखो ये हम अपने मन से नहीं कह रहे, पूरा इस पे लिखा भी हुआ है, सबटेंडिंग रूम्स वर बिल्ड बाय द फ्रेंच इन 1940, देयर वर 60 चैम्बर्स इन नो सीलिंग मेजरिंग 1873 स्क्वायर मीटर टोटल एज पार्ट ऑफ द टाइगर केक्स एंड एरिया वाइडेड बाय द फोर रोज एंड ईच विच हैज 15 चैम्बर्स एंड सब सन बाथिंग रूम्स और आउटडोर कन्फाइनमेंट वेयर प्रिजनर्स वर फोर्स्ड टू स्ट्रिप नेक्ड बींग एक्सपोज्ड टू द स्कोर्चिंग हीट एंड कोल्ड रेन ड्यूरिंग द डे एंड द फ्रीजिंग फोग एट नाइट। मतलब अपराध हाँ करवाने के लिए, जुर्म कबूर करने के लिए, सच्चाई जानने के लिए इस तरह से उनको अंदर के अंदर रखते थे भाई यहाँ पे, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी कड़ाके की धूप हो चाहे, ये ऐसे उनको बाहर बिना छत का, देखो कोई छत नहीं है इसके ऊपर बंदा चढ़ भी नहीं सकता, ऐसे खुले में इनको अंदर रखते थे।
क्या बात है जी, देखो क्या ये जो दीवारें देख रही है उसी समय की बनी है पूरी की पूरी। ये देखो ये सारी उसी समय की बनी हुई है। निधि गुप्ता बिल्कुल जी, रोना तो आएगा, इस तरह की चीजें देख के रोना ही आएगा। ये देखो इतने क्रूरटी की भी कोई हद होती है भाई। ये देखो ये टाइगर केस बोलते हैं इनको, स्पेशल चोंग कॉप स्पेशल सेलिंग इन कूल कोंदाओ जेल। ये जेल है भाई उस समय की जब यहाँ पर रखा गया था, रखते थे उनको वियतनाम के लोगों को, और जब यहाँ पे अमेरिका ने हमला किया था तो इस तरह के ये इतने बम डाले थे भाई, यहाँ लाखों लोग मर गए थे। वो लोग कैसे मरे थे, किस किस हालत में थे, कैसे सड़ रहे थे, वो ही मैं अंदर बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन आपको दिखाऊँगा सारा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। अंदर दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं ज़रा। ये देखो मैं अंदर चल के दिखाता हूँ किस तरह की क्रूरटी थी उस समय। ये जो हैमर आप देख रहे हैं ये वही हैमर है प्रिजनर को चोट पहुंचाने के लिए, मतलब एक तरह से उसको सजा देने के लिए। ये देखिए ये हंटर्स हैं और इस पर लिखा हुआ है रतन केन्स, ए क्लब मेड विद बिग साइज इलेक्ट्रिक वायर, इट्स 1 मीटर लॉन्ग इलेक्ट्रिक वायर है, लेदर हैमर यूज टू टॉर्चर प्रिजनर एंड क्लब्स यूज बाई द क्रैक डाउन द प्रोटेस्टर्स और द हिट प्रिजनर्स ड्यूरिंग इंटरोगेशंस। ये देखो जी इस तरह नासें पड़ी हुई थी, इस तरह से लोग खून बह रहे थे। ये देखो लोगों के मतलब शरीर के अंदर से 8 centimeters हैमर्ड इन टू द बोन ऑफ द प्रिजनर्स हील, प्रिजनर की हील के अंदर से ये इस तरह कीले कीले डागाड़ते थे। देखो ये दिख रहे हैं आपको, ये किले हैं बाद में हड्डियों के अंदर से मिली हैं ये किले, ठीक है जी। ऐसे आपको खोपड़ियाँ दिखाई देंगी और इस तरह से लोग पलायन कर रहे थे उस समय। ये देखो और दिखाता हूँ आपको कैसे, आप देखो नंगे लोग हैं, नेक्ड लोग, आप देखो कैसे लोग भुखमरे के शिकार हो रहे हैं। देखो ये देखो नंगे पड़े हैं और उनकी पिटाई कर रहे हैं हंटरों से। देखो ये देखो और इसके साथ में अभी मैं आपको दिखाई दूंगा, जैसे ये कैदी इस तरह जेल में ऐसे रहते थे, अभी देखो अभी दिखाई देगा इसके अंदर से। ये देखो इस तरह से कैदी होते थे, देखो कैसे इनके पैरों में ना साँकड़ डाल रखे हैं। ये जो वहाँ जेल, वो ऊपर वहाँ से गेट खुला हुआ उसका, ये देखो ये देखो हड्डी हड्डी हो रहे हैं लोग बिल्कुल। ये देखो पानी डाल दिया ऊपर से दबाने के लिए, फिर पानी डाल दिया। दम घुटने के लिए कुछ डाल दिया इसके ऊपर, और ये देखो बच्चे और महिलाएं, ये देखो ये महिलाएं भाई, एक तरह से ये मतलब समझो कि आज़ादी की मांग कर रहे हैं। ये देखो किस तरह से
किस तरह से कष्ट भरा दिन जीवन पा रहे हो। इस तरह की पोजीशन थी भाई उस समय अंग्रेजों ने इस तरह से कर रखा था, और ये यूएस आर्मी का, इसलिए यहाँ के जो लोग थे उन्होंने हार नहीं मानी थी, अमेरिका को वापस भगा दिया था, समझो कि अमेरिका को खुद हार मान के भागना पड़ा था यहाँ से, और ये सारे अमेरिका के ही ये हैं यूएसए आर्मी के। आपको सामने ये टैंक वगैरह ये दिखाई देंगे, आपको ये फाइटर प्लेन वगैरह दिखाई देंगे, ये सारे उसी समय के भाई। ये देखो इतने सारे गोले दिखाई देंगे मैं आपको, और इसको दिखाने के पीछे पर्पज ये है कि भाई उस समय क्या पोजीशन थी, लोग कैसे थे, और देखो कैसे गड्ढे हो जाते थे उस समय, देखो किस तरह बर्बादियाँ हुई थी। वो देखो इतने बड़े बड़े ये जो हैं गोले इस तरह दिख रहे थे, इस तरह से गड्ढे हो गए थे गिरने से, दिख रहे हैं ये गड्ढे। ये देखो ये इतना इतना का वजन था, इतने हैवी थे कि एक गिरे तो इतनी ये पोजीशन आ जाती थी भाई। ये देखो अब ये कोई बम गिरेगा, ये कोई गोला गिरेगा तो क्या पोजीशन करेगा, इतना भारी है ये गिरेगा और ये फटेगा तब क्या क्या कहर डालेगा। ये वियतनाम का भाई हो ची मिन सिटी के अंदर ये म्यूजियम बना हुआ है, देखो जी। तो भाई मेरा तो इसको वीडियो को दिखाने का पर्पज़ ये था।